आज जो हम टॉपिक करेंगे दैट इज रिकॉइलिंग ऑफ गन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से समझिएगा। अगर वो नहीं आया तो हम जो टफ वाले न्यूमेरिकल करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के, वो आपको समझ में नहीं आएंगे। आइए चलिए करते हैं। देखिए अब जो हमारा टॉपिक हम करने वाले हैं ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है टॉपिक, जिसके बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। टॉपिक है आपका रिकॉइलिंग ऑफ गन। ये जो टॉपिक है ना, ये हमारा प्रैक्टिकली टॉपिक है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पे। लीनियर मोमेंटम हम पढ़ चुके हैं, किसी भी दो सिस्टम, कोई भी दो बॉडीज होंगी, दोनों का जो आपकी इनिशियल मोमेंटम है वो हमेशा फाइनल के क्या होगी, इक्वल होगी, और नेट फोर्स क्या होना चाहिए उसके ऊपर, जीरो। ये आपका लीनियर मोमेंटम जो था, जिसका कंजर्वेशन हमने देखा था, उसी पर ही बेस्ड है। इस रिकॉइलिंग ऑफ गन वाले जो टॉपिक है, इसमें जो हम दो बॉडीज यूज करेंगे वो फर्स्ट होगी हमारे बुलेट और सेकेंड होगी हमारी गन। यानी कि गन और बुलेट का यूज करेंगे हम, और प्रैक्टिकली देखेंगे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम उस पर काम कैसे करता है। देखिए, समझने की कोशिश करिएगा, देखिएगा, अच्छे से ध्यान दीजिएगा। पहले मैं आपको बता देती हूँ हम कर क्या रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। व्हेन ए बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम ए गन, जब भी किसी एक बुलेट को अपनी गन में से क्या किया जाता है, फायर किया जाता है, द गन रिकॉइल्स, गन रिकॉइल्स हो जाती है, दैट्स मीन मूव्स इन डायरेक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बुलेट। मान लीजिए ये गन है, इसमें से बुलेट फायर होके आगे चली गई, तो ये बुलेट गई इस डायरेक्शन में, तो आपकी जो गन है वो रिकॉइल हो जाती है। रिकॉइल होने का मतलब जिस डायरेक्शन में बुलेट गई थी उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर जाती है। जैसे ही फायरिंग हुई, बुलेट आगे की तरफ गई और हमारी जो गन है वो पीछे की तरफ चली जाती है। यही हमारा होता है रिकॉइल्स ऑफ गन। द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। यानी कि कितना पीछे और कितनी स्पीड के साथ हमारा जो हैंड है, हम जिस हाथ में हमने अपनी गन को पकड़ा हुआ है, वो कितनी स्पीड से, कितनी वेलोसिटी से पीछे की तरफ जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, वो वेलोसिटी आप फाइंड आउट कर सकते हो। बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है, यही हम हमारे टॉपिक में करने वाले हैं। चलिए आइए करते हैं स्टार्ट। लेट एम वन मास ऑफ बुलेट, हमने मान लिया कि हमारा जो M1 है वो हमारा मास है बुलेट का। M2 इज इक्वल टू मास ऑफ रिकॉइलिंग गन, जो गन है उसका मास हमने मान लिया है क्या, M2। V1 वेलोसिटी ऑफ बुलेट, हम मान लेते हैं कि V1 जो है वो हमारी वेलोसिटी ऑफ बुलेट है। V2 क्या हो जाएगी, वेलोसिटी ऑफ रिकॉइल गन, यानी कि जो गन है जो पीछे की तरफ जा रही है ऐसे की तरफ, वो हमारी क्या हो जाएगी, हमारी वेलोसिटी हो जाएगी V2। अब मान लीजिए कि जैसे ही हमने उसको फायर किया, बुलेट को फायर किया, यानी कि देखिए पहले इसको समझिए, बिफोर फायरिंग बुलेट एंड गन एट रेस्ट। देखिए जब मैंने गन को अपने हाथ में पकड़ा हुआ था तो बुलेट उसके अंदर थी ना, तो आपकी गन मोशन में थी ना ही हमारी बुलेट मोशन में थी, यानी कि दोनों ही किस में थी, रेस्ट पोजीशन में। अगर दोनों रेस्ट पोजीशन में थी, समझिए, अगर दोनों ही रेस्ट पोजीशन में थी तो मास तो उनका कुछ ना कुछ था, बट वेलोसिटी दोनों की जीरो थी, इनिशियल वेलोसिटी दोनों की, बुलेट की भी और गन की भी, दोनों की इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी तो तब होती ना जब मोशन में हो, बुलेट भी अभी यही है, गन भी अभी हमारे हाथ में है, दोनों में ही मोशन नहीं है, मोशन नहीं है तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। यानी कि उनका जो लीनियर मोमेंटम होगा वो हो जाएगा जीरो, क्योंकि लीनियर मोमेंटम क्या होता है, लीनियर मोमेंटम होता है मास और इनिशियल वेलोसिटी। अब इनिशियल वेलोसिटी तो यहाँ पे जीरो ले रखी है, अगर यहाँ इनिशियल वेलोसिटी जीरो है तो यू को जीरो करिए, मोमेंटम अपने आप जीरो हो जाएगा। एट रेस्ट, सो दैट इनिशियल मोमेंटम ऑफ
बुलेट इनिशियल मोमेंटम ऑफ बुलेट एंड गन इज जीरो, गन इज जीरो, दोनों का क्या हो जाएगा लीनियर मोमेंटम जीरो हो जाएगा. आफ्टर फायरिंग द वेक्टर सम ऑफ मोमेंटम ऑफ बुलेट एंड गन इज क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा हमारा m1 v1 प्लस m2 v2. सिंपल सी बात है, ये हमारा किसके लिए हो गया बुलेट के लिए, ये हमारा किसके लिए हो गया आपके उसके लिए गन के लिए. सो अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम आपका जो लीनियर मोमेंटम आया है m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू जीरो. किसके इक्वल आ जाएगा, जीरो के, क्योंकि ये फाइनल है, इनिशियल वाला मेरा जीरो था. अभी तो मैंने करके देखा कि इनिशियल क्या होता है, जीरो. और अभी जो मैंने आपको जो हमने टॉपिक किया था, आपको याद हो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, उसमें हमारा जो कंक्लूजन आया था वो कुछ इस तरह से आया था. देखिए थोड़ा सा यहाँ पे देखिए, कंक्लूजन आया था m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m1 u1 प्लस m2 u2. अब ये वाली तो क्या हो गई हमारी, जीरो, क्योंकि मैंने अभी समझाया ये जीरो क्यों हुई है. तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू जीरो. वही तो लिखा है मैंने यहाँ पे, देखिए बिल्कुल सेम ही तो लिखा है. अगर आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पता होगा तो आपको ये समझ में आएगा कि मैंने ये इक्वेशन किसके इक्वल रखी, जीरो के, क्यों रखी है वो समझ में आएगा. अब हमें निकालना क्या है, हमें तो ये निकालना है ना कि जैसे ही मैंने बुलेट को फायर किया, मेरा जो हाथ है, जो गन है, वो रिकॉइल होता है पीछे की तरफ, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाता है, तो वो कितनी स्पीड से जाएगा, कितनी उसकी वेलोसिटी होगी. अब वेलोसिटी किसकी, रिकॉइलिंग ऑफ गन की निकालनी है, तो हमें निकालना क्या है, v2. तो बहुत आसान है, m2 v2 को आप यहीं पे रखिए और इस m1 v1 को कहां पे लेके जाइए, इधर के साइड. निकालना क्या है, v2 क्या हो जाएगा, -v1/m2. तो ये आ गया हमारा रिकॉइलिंग ऑफ गन का मेन फॉर्मूला, जो आपको बार बार क्या करना है, यूज करना है, बार बार इस्तेमाल करेंगे और बहुत ज्यादा इससे न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे. ये आपका फॉर्मूला है जो रिकॉइलिंग ऑफ गन का है. इससे आप क्या निकाल सकते हैं कि आपको क्या क्या पता होना चाहिए, बुलेट का मास पता होना चाहिए, बुलेट कितनी वेलोसिटी के साथ जाएगी ये पता होना चाहिए, गन का मास पता होना चाहिए. अगर हमें ये तीनों चीजें पता है तो हम ये पता कर सकते हैं कि हमारा जो हाथ जाएगा वो कितनी वेलोसिटी के साथ पीछे जाएगा, यानी कि कितनी वेलोसिटी के साथ आपका रिकॉइलिंग ऑफ गन होगा. आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा. अब आपको जो सिस्टम समझ में आना चाहिए ना, वो आपका ये होगा कि आप अगर यहाँ पे देखेंगे तो आपको एक चीज समझ में आएगी कि अगर आपकी जो वेलोसिटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, m2 के. कहने का मतलब आपके हाथ की वेलोसिटी डिपेंड करती है आपकी गन कितनी भारी है, गन का मास कितना है. अगर गन का मास ज्यादा है तो वेलोसिटी रिकॉइलिंग की क्या होगी, कम होगी. भाई सोचिए, देखिए बहुत भारी बंदूक है, बहुत भारी बंदूक है, मास बहुत ज्यादा है आपके उसका गन का, तो जब आपकी रिकॉइल ऑफ गन होगा, हाथ पीछे जाएगा तो वो बहुत धीरे धीरे जाएगा. सिंपल सी बात है, किसी भी भारी चीज को उठाना क्या होता है, मुश्किल होता है. एक तो मैं आपसे कहूं कि आप 5 किलो का पत्थर लीजिए और भागिए, आप आराम से भाग लेंगे. मैं आपको कहूं कि 20 किलो का पत्थर लो और भागो, क्या आप भाग पाएंगे, वेलोसिटी आपकी 5 kg वाले पत्थर के सेम होगी क्या, नहीं होगी. दैट्स मीन आपको ये याद रखना है ये सिस्टम, कि जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाला सिस्टम है, कि गन अगर आपकी भारी है, ज्यादा मास की है, तो आपकी वेलोसिटी जो होगी रिकॉइलिंग ऑफ गन की, जो डायरेक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगी वो आपकी क्या होगी, कम. सेम एज अगर कोई छोटी सी गन है तो उससे आप बहुत जोर का झटका लगेगा और पीछे की तरफ हाथ जाएगा तो
इंजरी भी हो सकती है। तो आपको क्या याद रखना है कि हमारी जो वेलोसिटी है और हमारा जो मास है बुलेट का, उन दोनों का आपस में ही बहुत बड़ा रिलेशन है। आई होप आपके ये रिकॉइलिंग ऑफ गन का सिस्टम पूरा समझ में आ गया होगा। आपको जस्ट ये फॉर्मूला याद रखना है और ये डेरिवेशन आपको आना चाहिए। डेरिवेशन में मैंने इतना कुछ खास किया नहीं है, इतना कुछ टफ भी नहीं है। आपको बस पता होना चाहिए M1 क्या है, आपका मास है बुलेट का, और V1 क्या है, वेलोसिटी है बुलेट की। M2 मास है आपकी गन का और V2 है आपका गन की वेलोसिटी। जस्ट आपका टोटल मोमेंटम देखा, उसको जीरो के इक्वल देखा और V2 निकाल लिया, क्योंकि V2 ही तो निकालना था। आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब इससे रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल है हम सारे वो ही करके देखेंगे। थोड़े से टफ भी आएंगे, इजी भी आएंगे। चलिए फटाफट से करके देखते हैं। देखिए, रिकॉइलिंग ऑफ गन हम अभी समझ चुके हैं। न्यूमेरिकल अब जो हम देखने वाले हैं वो रिकॉइलिंग ऑफ गन के ऊपर ही होगा। इसमें कुछ जो सिस्टम होगा हमारा, वो हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से भी कहीं ना कहीं कनेक्ट करेगा। तो आपको वो वाला कॉन्सेप्ट भी याद रखना है और रिकॉइलिंग ऑफ गन में जो हमने वेलोसिटी का फॉर्मूला निकाला है अभी अभी, वो भी आपको अच्छे से याद रखना है। आइए चलिए करते हैं। हमारा जो फर्स्ट न्यूमेरिकल है, सबसे पहले हम लोग उसकी स्टेटमेंट देखेंगे, जो हमारे पास गिवन होगा सबसे पहले वो करेंगे, देन उसके बाद न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। आइए चलिए करते हैं। तो सबसे पहले बोल रहा है एक 10 ग्राम बुलेट। सबसे पहले हम अपना जो गिवन है वो लिखते चलते हैं। सॉल्यूशन में बोल रहा है, सॉरी न्यूमेरिकल की आपकी स्टेटमेंट है एक 10 ग्राम बुलेट, बुलेट बोल रहा है, यानी कि ग्राम यानी कि मास है। मास जो है तो वो मास है आपका मास ऑफ बुलेट। जिसका मास है वो साथ साथ लिखते चलिए, वरना आप जब न्यूमेरिकल को सोल्व करेंगे लास्ट में तो आपको वैल्यू पुट आउट करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आएगी। तो आप लोग यहाँ पे लिखते चलना, मेंशन करना मास ऑफ बुलेट है या फिर मास ऑफ गन है। तो मास ऑफ बुलेट जो आपका दिया हुआ है वो दिया हुआ है आपका 10 ग्राम। देन उसके बाद आपका दिया है मास ऑफ गन और कितना है वो आपका, वो आपका दिया हुआ है 5 kg। तो बोल रहा है एक 10 ग्राम बुलेट इज शॉट आउट ए 5 kg गन विद वेलोसिटी ऑफ 400। वेलोसिटी बोल रहा है आपकी, वेलोसिटी दी है आपकी 400 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द स्पीड ऑफ रिकॉइल ऑफ गन, यानी कि V2 पूछा है, ये आपका V1 दिया है और पूछा है कि V2 आपका क्या होगा। तो अब देखिए, हमें इतनी बात तो पता है, वी नो दैट, हमें एक छोटी सी बात तो पता है कि फॉर्मूला तो कहीं ना कहीं ये ही लगेगा। फॉर्मूला क्या है हमारा, M1V1/M2 और ये माइनस का साइन। तो इतनी सी छोटी सी बात तो हम लोग बहुत अच्छे से जान चुके हैं कि ये कुछ इस तरह का होने वाला है। तो इस बात में तो हमारा कोई भी शक है नहीं। लेकिन आप जरा ये देखिए कि मैंने आपको ये कहा था कि जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे स्टेटमेंट में सबसे पहले ये चेक करेंगे क्या आपके यूनिट सेम हैं। जरा यहाँ पे चेक करके देखिए, क्या आपका ग्राम और केजी दोनों सेम हैं? क्या एसआई यूनिट में है? तो आपको देखते ही पता लगेगा कि ये एसआई यूनिट में तो नहीं है, और अगर ये एसआई यूनिट में नहीं है तो उसको एसआई में चेंज करना पड़ेगा। तो हम हमेशा की तरह क्या करेंगे, इसको एसआई में चेंज करेंगे। तो ये आपका हो जाएगा 10/1000 kg। अब आप इसको सोल्व कर सकते हैं क्योंकि अब आपकी दोनों यूनिट क्या हो चुकी हैं, सेम हो चुकी है। अब इसको करके देखते हैं। देखिए, आपका M1 यानी कि जो मास ऑफ गन है वो कितना दिया हुआ है, सॉरी मास ऑफ बुलेट आपका कितना दिया हुआ है, ये हो गया हमारा 100/1000। और आपको उसके बाद V1 कितना दिया हुआ है, V1 है आपका 400, ये मैंने कर दिया यहाँ पे 400। देन उसके बाद हमारा यहाँ पे M2 कितना दिया हुआ है, M2 दिया हुआ है आपका 5, तो मैंने यहाँ M2 का क्या कर दिया है 5। तो ये आपकी कैंसिल आउट। तो अब मुझे जरा एक बार करके दिखाइए, क्या ये वैल्यू आपकी सही आ रही है, क्या आपका ये क्लियर है, बिल्कुल सही आ रहा है? हाँ भाई, ये हमारा बिल्कुल सही है। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो कुछ कुछ ये आ जाएगा आपका 0.8 मीटर पर सेकेंड। बहुत आसान सा न्यूमेरिकल था, आसान था, बट आसान जितना होता है उतना ही कंफ्यूज भी कर देता है। कंफ्यूज क्यों, आप सोचेंगे सब कुछ दिया हुआ है, फॉर्मूला हमें याद है, फटाफट से कट करना है और आंसर आ जाएगा, बट इतना भी इजी नहीं है।
इजी क्यों नहीं है, क्योंकि आपको यूनिट्स देखनी है। मैं बार बार आपको ये चीज याद दिला रही हूँ साथ साथ, और बार बार मैं जानबूझ के ऐसे न्यूमेरिकल ले रही हूँ जो आपको आगे जाके बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देने वाले हैं। तो जरूर इनको अच्छे से देख लीजिएगा, यूनिट्स चेक करके फिर ही न्यूमेरिकल को सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा। अदरवाइज आप यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसी गड़बड़ कर देंगे कि आपको न्यूमेरिकल पक्का खराब हो जाएगा। चलिए अब सेकंड न्यूमेरिकल देखते हैं। सेकंड न्यूमेरिकल यहाँ पे आपका क्या बोल रहा है, ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का होगा, कुछ ना कुछ आपको इसमें नया सीखने को मिलेगा। देखिए, ए मशीन गन हैज ए मास ऑफ 10 kg। तो फर्स्ट आपको दिया है मशीन, गन दी हुई है, तो गन का आपका जो मास होता है, मास ऑफ गन, यानी कि M2 आपको दिया है यहाँ पे 10 kg। ओके, हमने नोट डाउन कर लिया। इट फायर्स 30 ग्राम बुलेट, तो मास ऑफ बुलेट यानी कि M1 हमें दिया है 30 ग्राम। अब कई बच्चों के एक चीज तो दिमाग में आ गई होगी और जिसके आया है उसने समझा है, एट द रेट ऑफ 6 bullets per second, थोड़ा कुछ डिफरेंट आया है, बुलेट्स पर सेकेंड ऑफ 400 meters per second। पहले मैं वेलोसिटी लिख लेती हूँ, वेलोसिटी जो होगी आपकी v1, वो आपकी कितनी दी हुई है, वो दी हुई है आपकी 400 meters per second। व्हाट फोर्स मस्ट बी अप्लाइड टू द गन टू कैप इन इट पोजीशन, भाई फोर्स पूछ रहा है, बिल्कुल अलग हो गया ये तो, ऐसा तो हमने अब तक कुछ किया ही नहीं, कुछ समझा ही नहीं, कुछ सीखा ही नहीं, और ये जो द रेट दिया हुआ है ये तो बिल्कुल नहीं आ रहा समझ में, बिल्कुल नहीं आ रहा होगा ना, कि ये तो बिल्कुल ये अलग चीज हो गई हमारे लिए, हुई या नहीं हुई जल्दी बताओ। देखिए, द नंबर ऑफ बुलेट्स फायर पर सेकेंड कितनी है, 6 ही दी हुई है ना, बिल्कुल 6 है, लेकिन इसने ना क्वेश्चन घुमा दिया, पता नहीं क्या पूछ रहा है, रिकॉइलिंग ऑफ गन की वेलोसिटी तो पूछी ही नहीं, तो क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि कितना फोर्स लगाया जाए कि अगर आपकी गन यहां है तो गन यहीं पे ही रहे, पीछे जाए ही ना, यानी कि वेलोसिटी की तो वो बात जब करेगा ना, जब वेलोसिटी हो, जब गन मूव करे, ये तो बोल रहा है कि जैसे ही बुलेट फायर हो ना तो ये जो मेरी गन है ये यहीं पे ही रहे, मोशन में ही ना आए, पीछे जाए ही ना, बैकवर्ड डायरेक्शन में हो ही ना, जितनी है वहीं के वहीं रहे, कैप्टेनिक पोजीशन जहां है वहीं पे ही, तो फोर्स पूछ रहा है, थोड़ी सी समस्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करना है, तो आइए चलिए करके देखते हैं, समझते हैं कि क्या है, कैसा है, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, फिर उसके बाद देखते हैं कैसे करना है। देखिए, हमें बताया कि फोर्स क्या होता है, फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, नॉट मोमेंटम, इन पर सेकेंड। तो मैं ऐसा बोलूं, फोर्स इज इक्वल टू m1 v1 per second, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका टाइम, और देखिए इसमें नंबर ऑफ दे रखा है, नंबर है ना, तो ये n आ जाएगा। चलिए अब इसको एक बार देखते हैं। सॉरी, एक चीज और जो हमारी यहाँ पे एक नोटिस करने की है, जो मैंने आपको स्टेटमेंट बोली तब समझाई भी, कि यहाँ ग्राम दिया हुआ है, हमें ग्राम से कोई लेना देना नहीं है, आप इसको क्या कर देंगे, 30 by 1000 किलोग्राम। अब आप अपनी वैल्यूज को वहां पे जल्दी जल्दी से रख सकते हैं, जैसे ही आप इनको रखेंगे आपका सारा का सारा सिस्टम आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से इसको सॉल्व करना है। तो चलिए करें। देखिए, अब हमें ये तो पता लग गया कि जो फोर्स होता है वो चेंज इन मोमेंटम पर सेकेंड होगा, या फिर टाइम के हिसाब से होगा आपका, तो अब आपको जो जो वैल्यूज दी हुई है ना, आपको जस्ट वो ही पुट आउट करनी है। करें, आपका एन कितना है, एन दिया हुआ है आपका 6, M1 कितना है आपका, ये हो जाएगा आपका 30 by 1000, फिर उसके बाद आपका जो V1 दिया हुआ है वो है आपका 400, ये हो गया आपका 400, यहां से आपकी 0 कैंसिल, ये आपकी 30 से कैंसिल, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी 72 न्यूटन, तो ये आपका निकल के आ गया है फोर्स,
कहने का मतलब अगर आपको बुलेट आपने फायर कर दी है लेकिन आप चाहते हैं गन यही रहे, तो आपको अपने हाथ से एटलीस्ट 72 न्यूटन का फोर्स लगाना होगा ताकि आपका जो हैंड है, जो गन है, वो रिकॉइल ना हो, बैकवर्ड डायरेक्शन में ना जाए। तो अगर आप ये कर पाए तो जो हमारी गन है वो रिकॉइल होगी नहीं, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी ही नहीं। तो आई होप आपके न्यूमेरिकल दोनों बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो इस दोनों न्यूमेरिकल्स को एक बार अच्छे से करके देखिए, नोट डाउन जरूर कीजिएगा। ये मत समझिएगा कि यहाँ पे देख लिया तो समझ में आ गया, करने की जरूरत नहीं है। तो मैं हमेशा एक ही बात बोलती हूँ, प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। तो जरूर कोशिश कीजिए, इनको लिख लिख के देखिए, कर करके देखिए, फिर उसके बाद हम कुछ न्यूमेरिकल्स और देखते हैं जो थोड़े से डिफरेंट पैटर्न पे होंगे, थोड़े से अलग तरीके के होंगे। तो फटाफट से इनको नोट डाउन कर लीजिए, फिर करते हैं हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल। चलिए हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं। नेक्स्ट मैं न्यूमेरिकल कराने वाली हूँ वो थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का होगा, थोड़ा सा अलग भी होगा। अब तक हमने जो भी कॉन्सेप्ट किया है उसे थोड़ा सा डिफरेंट होगा। तो आइए चलिए हमारा न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। जैसा मैं हमेशा आपको बोलती हूँ, सबसे पहले हम लोग स्टेटमेंट पढ़ेंगे, जो भी हमें गिवन होगा वो देखेंगे, फिर उसके बाद अपना न्यूमेरिकल स्टार्ट करें। आइए चलिए देखते हैं। देखिए सबसे पहले हमें स्टेटमेंट में बोला है ए मशीन गन फायर्स ए बुलेट ऑफ मास 40 ग्राम। तो सबसे पहले जो आपको करना है वो यही काम होता है कि सबसे पहले आपको गिवन लिखना है। गिवन आपका कितना हो गया? गिवन हो गया आपका 40 ग्राम विद वेलोसिटी। वेलोसिटी आपकी, सॉरी एक मिनट बच्चों, गिवन क्या है आपको देखिए, गिवन में मास हमें दे रखा है 40 ग्राम और वेलोसिटी हमें कितनी दे रखी है, वेलोसिटी हमें दे रखी है 1200 मीटर पर सेकेंड, ये दे रखा है हमें। नेक्स्ट द पर्सन होल्डिंग इट कैन अप्लाई ए मैक्सिमम फोर्स। इसका मतलब हमें यहाँ पे फोर्स भी मेंशन है, फोर्स हमें दे रखा है 144 न्यूटन ऑन द गन। What is the maximum number of bullet that can be fired per second? OMG, question बिल्कुल different। तो आपसे पूछा है maximum numbers of bullet can be fired per second। यानी कि n पूछा गया है क्वेश्चन में आपसे, n पूछा है आपको, यहाँ पे जो आंसर देना है वो देना है n के लिए। तो देखिए अब आपको एक चीज तो पता है, वी नो दैट जो आपका फोर्स होता है वो क्या होता है, चेंज इन लीनियर मोमेंटम पर सेकेंड। भाई ये तो बहुत अच्छे से पता है हमें। तो आपके जो फोर्स की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी n mv पर सेकेंड नीचे टाइम, जबकि इसमें ऑलरेडी कहा है कि पर सेकेंड निकालना है। तो आप नीचे कुछ भी नहीं लिखेंगे, ना टाइम लिखेंगे ना कुछ और लिखेंगे, इसको आप ऐसे ही छोड़ देंगे यहाँ पे। इतनी सी बात समझ में आई। देन उसके बाद जो नोटिस करने वाली चीज है, आप खुद देखिए क्या कुछ चेंजमेंट लग रहा है, कुछ ऐसा जो हमें चेंज करना चाहिए, जो कुछ गड़बड़ कर रहा है यहाँ पे। तो आप देखेंगे अगेन हमारा जो यहाँ पे यूनिट दी हुई है वो ग्राम में दी हुई है, जबकि ग्राम तो हमें चाहिए ही नहीं भाई, ग्राम का तो लेना देना है ही नहीं। तो आपकी यहाँ पे जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी आपकी 1/25 kg। ये चीज समझ में आई आपके? देन उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको सारी वैल्यूज को पुट करना है। आप पुट करिए, फोर्स आपका कितना है, फोर्स है आपका 144 न्यूटन। एंड भैया हमें सोल्व करना है, ये तो क्वेश्चन ही है। मास आपका कितना दिया हुआ है, मास है हमारा 1/25। ओके, इतनी सी चीज भी हमें समझ में आ गई। और हमारी वेलोसिटी है 1200। तो भाई ये कुछ इस तरह से है कि हमें चाहिए n और सब कुछ चला जाएगा उधर। चलिए लेके चलते हैं।
144 25 बाय 1200। चलिए सोल्व कीजिए फटाफट से इसको। तो इसको जब आप सोल्व करेंगे तो आपका क्या होगा, 25 और ये जाएगा आपका 240, ये आपका यहाँ कैंसिल और आंसर लगभग लगभग आएगा आपका, ये आपका कैंसिल, ये आ जाएगा आपका 3। यानी कि आपके कितने बुलेट्स जाएंगे, यहाँ आपके बुलेट्स जो जाएंगे वो जाएंगे टोटल आपके 3। यानी कि आप जब उस गन से फायर करेंगे और आप कोशिश कर रहे हैं कि आपका जो हाथ है आपने उस पर फोर्स लगाया हुआ है 144 न्यूटन का, तो आपका हाथ ना तो पीछे जाएगा और उसमें से लगभग कितनी, इतने फोर्स के साथ कितनी बुलेट बाहर निकल जाएंगी, वो निकलेगी आपकी कितने, 3 बुलेट्स। यानी कि इतने फोर्स के साथ अगर आपका मास इतना है, वेलोसिटी इतनी है, फोर्स इतनी है, तो आपकी गन में से सिर्फ और सिर्फ कितनी बुलेट्स निकलेंगी, 3 बुलेट्स निकलेंगी। तो ये आपका न्यूमेरिकल था जिसमें आपका ना तो आपका फोर्स पूछा था, ना वेलोसिटी, ना मास। इसमें डायरेक्ट कितना क्या पूछा गया था, इसमें पूछा था कितने नंबर ऑफ गन्स निकलेंगी पर सेकेंड। फर्स्ट सेकेंड में 1, सेकेंड में 2, थर्ड सेकेंड में आपकी 3, 3 सेकेंड में आपकी तीनों की तीनों जो बुलेट्स थी उसमें से निकल के बाहर निकल जाएगी। तो ये आपका न्यूमेरिकल था। अब चलिए सेकंड न्यूमेरिकल। हमारा रिकॉइलिंग ऑफ गन का जो मैंने लास्ट न्यूमेरिकल लिया है वो सबसे डिफरेंट है। डिफरेंट इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इसमें जो कॉन्सेप्ट लगेगा वो आपको थोड़ा सा समझना होगा। अगर आपने उसको समझने की कोशिश नहीं की तो शायद आप उसको अलग तरीके से करने की कोशिश करेंगे, बस वही कोशिश आपको यहाँ पे नहीं करनी है। तो आइए चलिए देखते हैं ऐसा क्या खास है इसमें, करें। देखिए सबसे पहले जैसा कि मैं हमेशा आपको बोलती हूँ, आप सबसे पहले गिवन लिखेंगे, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग सब कुछ करके देखेंगे, देन उसके बाद आपको जो करना है वो करेंगे। देखिए, ए मशीन गन फायर्स 35 ग्राम बुलेट एट द रेट ऑफ 100 बुलेट। सुनिएगा, सबसे पहले जो जो चीज है एग्जैक्ट वैसे लिखिए। मास आपका दे रखा है आपको 35 ग्राम, ओके, ठीक है। एट द रेट ऑफ 100 बुलेट पर मिनट, आपको एन ऑलरेडी दिया हुआ है 100 बुलेट पर मिनट, 100 बुलेट पर मिनट, ठीक है। विद स्पीड ऑफ, यानी कि वेलोसिटी है आपकी 300 मीटर पर सेकेंड, ओके। द फोर्स रिक्वायर्ड होल्ड द गन इन पोजीशन इज 17.5 न्यूटन। अब यहाँ पे एक चीज देखने की है, मास दिया है, एन भी दे रखा है, वी भी दे रखा है, एफ भी दे रखा है, करना क्या है? क्वेश्चन में कुछ तो गड़बड़ है। नहीं, कोई भी गड़बड़ नहीं है। देखिए, फोर्स आपसे पूछा है, क्या इतना फोर्स काफी है, क्या इतना फोर्स काफी रहेगा कि इसको रोकने के लिए, मतलब आपका जो हाथ है उसको रिकॉइल होने के लिए इतना फोर्स क्या काफी है? तो अब हमें फोर्स पता करने के लिए फोर्स ही निकालना पड़ेगा, तभी आप पता कर पाएंगे कि इतना फोर्स काफी है भी या नहीं। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। वी नो दैट, वी नो दैट, एफ का फॉर्मूला क्या था, एन एम वी, इतनी बात तो हमें पता है। अब देखिए जरा, कुछ चेंजमेंट वगैरह तो नहीं करना, भाई बिल्कुल करना है। अगेन हमारी ग्राम दिया हुआ है, ये आपका कितना हो जाएगा 35 पर 100 केजी, ओके। और कोई चेंजमेंट आपको लग रहा है? बिल्कुल, यहाँ पे 100 बुलेट पर मिनट बोला है, लेकिन हमें तो किसमें चाहिए, एसआई में। तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 100 बाय मिनट पर सेकेंड, ये हमने निकाल लिया हमारी पर सेकेंड में। अब आपको जस्ट क्या करना है, इसको सोल्व आउट करना है, जो जो चीजें आपको यहाँ पे गिवन है, जो जो चीजें आपको यहाँ पे दे रखी है, जस्ट पुट करनी है। चलिए करते हैं, n हमारा 100 बाय 60, m मास हमारा कितना हो जाएगा 35 बाय 100 मल्टीप्लाई बाय हमारा कितना हो जाएगा 300। तो ये आपका यहाँ से कैंसिल, और ये कितने पे जाएगा आपका, ये जाएगा आपका 20, 100, 50, तो ये आपका कितने पे जाएगा, जरा चेक करके बताइए मुझे, क्या आपका इतना फोर्स काफी रहेगा।
हाँ, अगर आप इनको मल्टीप्लाई करके देखेंगे यहाँ पे 35 को 5 से, तो ये जो आपकी कैलकुलेशन आएगी वो आपकी 17.5 से तो ज्यादा ही आएगी। तो इन्होंने पूछा था क्या इतना फोर्स काफी है, तो भाई जब आप 35 को 5 से करेंगे तो वो इससे तो ज्यादा ही आएगा। दैट्स मीन ये बात तो हमारे समझ में आ गई कि इतना फोर्स काफी है, और इसमें जो आपको आंसर देना है ना वो यस और नो में देना है, यस और नो। तो इसका जो आंसर आएगा वो आपका यस आएगा, यानी कि यस ये जो आपका फोर्स है 17.5 न्यूटन, इतना आपका काफी है, एनफ है आपका जो वो आपका रिकॉइलिंग ऑफ गन को रोकने के लिए। तो आप हमेशा ये जरूर याद रखिएगा, जब आपको सारी चीजें दी हुई हो ना तो आपको उसमें यस और नो में पहले आंसर देना है, लास्ट में आप यस और नो कहेंगे और फिर कहेंगे यस दिस गिवन फोर्स इज एनफ फॉर स्टॉप द रिकॉइलिंग ऑफ गन। सो आई होप आपके ये वाला जो सिस्टम है आपका, वो वाला फॉर्मूला जो हमारा न्यूमेरिकल है वो भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। जितने भी टाइप के न्यूमेरिकल्स आपके बनते हैं वो सारे के सारे मैं आपको करा चुकी हूँ। अगर आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे जरूर बताइएगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आप हमारे चैनल में न्यू हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साइड में हमारे जो बेल आइकन है उस पर जरूर क्लिक कीजिएगा, ताकि जब भी मैं आप कोई नई वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। और अगर आप हमारे चैनल को रोज देखते हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम है, वीडियो कैसी लग रही है, पढ़ाने का तरीका कैसा लग रहा है, कुछ ऐसा जो आपको ना पसंद आ रहा हो या ऐसा जो आपको बहुत पसंद आ रहा हो, सब कुछ हमें जरूर बताइएगा। हम लोग भी बहुत एक्साइटेड होते हैं ये जानने के लिए कि हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको हमारी वीडियोस कैसी लग रही है।